आंखें अपने कमरे में नहीं है। क्या? वीनू और पाखी का पासपोर्ट भी गायब है। पासपोर्ट? क्या कहा आपने? पासपोर्ट गायब है? हाँ। पासपोर्ट क्यों गायब है? कहीं पत्रलेखा जी वीनू को लेकर चली तो नहीं गई? मैंने बाहर देख लिया बट वीनू कहीं भी नहीं है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पत्रलेखा वीनू को लेकर कहीं नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा सोच ही नहीं सकती वो। फोन लगाओ उसे। मैं फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं है। वो अपना फोन कमरे में छोड़कर गई थी। ये वीनू का फोन भी उसके रूम में ही मिला। इसका तो एक ही मतलब है, पत्रलेखा वीनू को लेकर नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी चाल है ना विराट? क्या बकवास कर रही हो तुम? सही बकवास नहीं कर रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम तो पत्रलेखा और वीनू को भगाना चाहते थे घर से, इसीलिए आपने किसी को घर में सच नहीं बताया। बोलो विराट, सबको सच बता दो। ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी ना? तुमने ही उनको पासपोर्ट लेके घर से भगा दिया ना, पत्रलेखा और वीनू को। और तुमने उनसे कहा होगा कि वो अपना फोन यहाँ छोड़ जाए ताकि कोई उन्हें ट्रेस नहीं कर पाए। सही क्या बोल रही हो तुम? ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। अरे गायब वो दिन जब मैं तुम्हारी बातों में आ जाती थी मिस्टर विराट सवान। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है। मौसी कह रही थी कि विराट फिर से वैसा ही करेगा। उससे पहले भी पत्रलेखा का साथ दिया था और अब वो फिर से पत्रलेखा का साथ देगा। कितने बेवकूफ हो। मैंने मुझे मौसी की बात नहीं मानी, मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम्हें 72 घंटे दे दिए। मुझे तुम्हें वो 72 घंटे देने ही नहीं चाहिए थे। तुमने पत्रलेखा के बारे में सोचा, तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। अरे मैं मानती हूँ कि सालों से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम मेरे बेटे को अपनी बीवी के साथ भगा दोगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम इतना गिर कैसे सकते हो? बस सही, बस। मुझे सच में नहीं पता था कि पाखी वीनू को लेकर भागने की प्लानिंग कर रही है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे क्योंकि क्या बोला ना? लोग क्यों गए? एक और झूठ बोल रहे थे। बोलो ना झूठ। तुमने तो महारत हासिल कर लिया झूठ बोलने में। एक चुप हो जाओ तुम दोनों। ये भी कोई बहस करने का वक्त है? सबसे जरूरी है ये सोचना कि पत्रलेखा वीनू को लेकर कहां जाने की सोच रही है। सोचो। मम्मा हम कहां जा रहे हैं? अभी तो घर पे पार्टी भी है और सब लोग वाले। आपको पता है मैंने सभी और डॉक्टर आंटी को भी इनवाइट किया है। मम्मा अभी तो हमें घर पे जाके रेडी भी होना है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं अभी? बाड़ा, मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपको आपके सारे सवालों के जवाब उस स्टोरी में मिल जाएंगे। सच्ची मम्मा, सुनाओ ना। हजारों साल पहले की बात है, एक राज्य था जिसमें एक बहुत सुंदर राजकुमार रहता था, बिल्कुल आपकी तरह। और वो राजकुमार अपनी मम्मा के साथ रहता था और वो अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे आप करते हो ना? हाँ मम्मा, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ। हाँ, तो राजकुमार अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता था, वो राजा भी राजकुमार से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उस राज्य में एक जादूगरनी आ गई, वो जिसे भी मिलती थी ना वो उसे अपने वश में कर लेती थी, और उस जादूगरनी ने राजा पर भी अपना जादू चला दिया। लेकिन पत्रलेखा बिना किसी को बताए हुए वीनू को लेकर जा कहां सकती है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अश्विनी बस भी करो, हिम्मत रखो थोड़ी। जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा बेटा और मेरी बीवी दोनों मिसिंग हैं। क्या? हाँ, अब जल्दी से उनके फोटोज और उनकी डिटेल्स के साथ एक एडवाइजरी इश्यू कर दो। किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे अगर वो नज़र आते हैं तो फौरन डिटेन कर लिए जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनसे किसी को कोई खतरा नहीं है, बस एक फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो नागपुर छोड़कर जा रहे हैं, और मैं ऐसा होने दे नहीं सकता हूँ। इस पूरे मामले को थोड़ा सा लो प्रोफाइल ही रखना प्लीज़। समझ गया सर जी। फिर मम्मा? फिर वो राजा भी उस जादूगरनी के वश में आ गया। वो राजा ने फैसला किया कि वो अपने राजकुमार को उस जादूगरनी को दे देगा, और उस जादूगरनी ने रानी माँ यानी राजकुमार की मम्मा पर भी जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन रानी माँ का उनके बेटे के लिए प्यार उस जादूगर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, और जादूगरनी का जादू फेल हो गया, और रानी माँ ने राजकुमार को उस जादूगरनी को देने से साफ मना कर दिया। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर रानी माँ ने तय कर लिया कि वो अपने बेटे पर उस जादूगरनी की परछाई भी नहीं पड़ने देगी। रानी माँ ने सही किया ना बेटा? हाँ, रानी माँ ने बिल्कुल सही किया। रानी माँ को अपना बेटा जादूगरनी को नहीं देना चाहिए था। वही तो, लेकिन वो जादूगरनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ये सोचा कि वो अपना जादू सीधे राजकुमार पे चलाएगी और उसे अपने साथ ले जाएगी, लेकिन रानी माँ को ये बात पता चल गई थी, और रानी माँ उसी वक्त बिना किसी को बताए अपने राजकुमार को साथ में लेकर उस राज्य से बहुत दूर चली गई, एक दूसरे राज्य में जहां पर वो जादूगरनी भी ना पहुंच सके। क्यों पाखी, क्यों किया तुमने ऐसा? अपना ये नाटक बंद करो विराट। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम ये वीनू को ढूंढने का सिर्फ ढोंग कर रहे हो। असल में सारा प्लान तुम्हारा था। तुमने पत्रलेखा और वीनू को घर से भगा दिया और अब परेशान होने का दिखावा कर रहे हो। दिखावा कर रहा हूं मैं, सही दिखावा? पता नहीं अपने मन में मेरे लिए कितना जहर भर लिया है, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हो और उसे सच भी मान रही हो। सच मान नहीं रही हूँ, वही सच है। तुमने पत्रलेखा को बताया होगा कि वीनू मेरा बेटा है। अरे नहीं बताया, बताना चाह रहा था, बहुत कोशिश की मैंने लेकिन बता नहीं पाया। कभी हिम्मत नहीं हुई तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत कोशिश। तो तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तो कैसे पता होगा? अरे सबसे पहले तुम्हें पता चला था कि वीरू मेरा बेटा है, और पत्रलेखा को सपोर्ट करने के लिए तुमने वो बात मुझसे छुपाई। जरा सुनो अपने आप को, तुम क्या बोल रही हो? मतलब मैंने ही पाखी से कहा कि तुम वीनू को लेके भाग जाओ? अरे मैं अपने ही परिवार को क्यों तोड़ूंगा? भाव, तुम्हारा परिवार अखीना दिल की बात जबान पर। और मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि तुमने ही पत्रलेखा और वीनू को घर से भगाया है। जैसे बरसों पहले मेरी गोची छीनकर वीनू तुमने पत्रलेखा को दे दिया था, आज तुम फिर से वही कर रहे हो विराट। तुम्हारे लिए पत्रलेखा का दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी ममता मायने रखती है, मेरी ममता नहीं। लेकिन मिस्टर विराट जवान, मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे वीनू सभी से बढ़कर कोई भी नहीं है। एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी जिंदगी होते हैं, और तुम्हारी बीवी मेरी जिंदगी लेकर भाग गई है। विराट, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे इस गुनाह की तुम्हें क्या सजा मिलेगी। जो जो तुम्हारे साथ इस गुनाह में शामिल है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर तो राजकुमार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्तों को, अपने स्कूल को, अपने टॉयज को, अपने घर को, अपने बाबा को छोड़कर जाए या ना जाए। राजकुमार राज्य को नहीं छोड़ना चाहता था। फिर रानी माँ ने उनसे कहा कि अगर आप अपनी मम्मा से प्यार करते हो तो वो वही करे जो उसकी मम्मा कह रही है। फिर रानी माँ ने राजकुमार से कहा कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मेरी बात मानोगे, जैसे हर बच्चे को अपनी माँ की बात माननी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, हर बच्चे को अपनी मम्मा की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता है। बीनू, अब समझ आया कि मम्मा आपको क्या समझा रही थी? मम्मा, मुझे स्टोरी तो समझ आ गई, लेकिन और कुछ नहीं। मैं समझाती हूँ। जैसे राजकुमार ने अपनी मम्मा की बात मानी थी, वैसे ही आप भी हमेशा मेरी बात मानना, ठीक है? हम बहुत जल्दी पार्टी करेंगे, लेकिन आज नहीं, यहाँ नहीं, मगर जल्दी कहीं दूर जाके पार्टी करेंगे। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? बोलो ना मम्मा। वीनू, आपको पता है मैंने हम दोनों के पासपोर्ट्स क्यों लिए हैं? क्यों? क्योंकि हम लंदन जा रहे हैं, नानी के पास। हम लंदन जाके वहां पे बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, ओके? क्या हुआ वीनू, आप खुश नहीं हो बेटा? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर एक्साइटमेंट तो दिखाओ, एक्साइटमेंट तो दिखाओ। कोई भी मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकता विराट, ना तुम और ना ही वो सही। मैं वीनू को लेकर हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रही हूँ, और अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। इतने सालों तक मैं यही सोचती रही कि इस खानदान का चिराग बुझ गया है, लेकिन आपकी लीला कमाल है बाबा। मेरा पोता ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि वो हमारे परिवार के बीच इसी घर में पढ़ रहा था। उसकी रगों में हमारे खानदान के खून के साथ साथ हमारे संस्कार भी है। लेकिन इतने सालों तक मैंने उससे प्यार नहीं जताया, उसके लाड नहीं किए, बस यही सोचती रही कि वो पराया खून है। बहुत बड़ा पाप किया है मैंने, और शायद इसी पाप की सजा मिल रही है मुझे। कितनी बेवकूफ हूं मैं, कितनी बेवकूफ। पर बापा, तुमसे खूब खूब आभार। आपने अपनी कृपा इस मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखी है। एक और कृपा कर दीजिए, पत्रलेखा और वीनू को इस घर में वापस भेज दीजिए। कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो हमें जल्दी मिल जाए। पापा, आप पापा के आभार किस चीज के लिए व्यक्त कर रही है वहीनी? वीनू के मिलने का? बरसों पहले इस घर की एक बहू वीनू को लेकर भाग गई थी और अब दूसरी बहू भाग गई। उसके बाद क्या हादसा, इंसिडेंट, दुर्घटना हुई थी, आपको याद है ना? भगवान ना करे आज फिर से वैसा ही कुछ हो गया तो। सोनालिका को आप ये क्या बोल रही हैं? पहले ही सब कम परेशान हैं, जो आप ये सब बोल के और परेशान कर रही हैं। क्या गलत कहा है सोनाली ने? परसों पहले हादसा नहीं हुआ था? आज इस घर की एक बहू हमारे वीनू को लेकर गई है। पत्रलेखा की हिम्मत कैसे हुई इस खानदान के चिराग को लेकर जाने की? क्या वीनू हमारा कोई नहीं लगता? पहले वो सही लेकर चली गई, अब ये पत्रलेखा लेकर भाग गई। अरे क्या समझती है वो दोनों खुद को? मजाक है क्या ये? खेल बना कर रखा है। आज मेरी बारी, कल तेरी बारी। कोई नहीं, शांत रहा ना जरा। आपका बीपी बढ़ रहा है। अरे बढ़ जाने दे, इसे देखना। हमें कुछ मानता है? तूने हमसे पहले पत्रलेखा को सब कुछ बता दिया वीनू के बारे में। हम तेरे लिए कुछ है या नहीं? काकू, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने पाखी को कुछ नहीं बताया है। तूने नहीं बताया तो किसने बताया? वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पाखी को यह सब पता चला तो कैसे चला। याद है ना, अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे तुम मुझे। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती थी ना, तो सबसे पहले तुम मुझे बताया करते थे। अब तुम अपने काम सिर्फ सही के साथ बांटते हो। तुम्हें ये चोट कैसे आई? विराट ने पट्टी बांधी है क्या? तुम दोनों को ये बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विराट? क्या यही जरूरी बात थी जो तुम मुझसे करना चाह रहे थे? वीनू तुम्हारा और सही का बेटा है, और अब वो सही के पास ही रहने वाला है। ये ध्यान से। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.